आज हम आपको क्रोशिया एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 10 है और पीछे देखिए 0.75 mm है। सबसे पहले इसमें 5 चैन बुनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स हम एक रिंग बनाएंगे इस तरह, और इस फिर इस रिंग के अंदर हमने एक चैन बुननी है और इस तरह एक चैन बुनने के बाद ये देखिए थोड़ा सा बड़ा फंदा बनाएंगे। यानी हमें यहाँ पहले पफ स्टिच डालना है फ्रेंड्स। तो 1, 2, 3, 4 देखिए 4 हो गए। 4 के बाद इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर फ्रेंड्स में बीच में 2 चैन बुनेंगे, 1 और 2। फिर हमने दोबारा से पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स हमने 4 चैन बुननी है, 1, 2, 3, 4। फिर एक बार लेंगे, फिर से फ्रेंड्स हमने पफ स्टिच बनाना है, 1, 2, 3, 4 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर बीच में 2 चैन का गैप रखेंगे, 1, 2। फिर से हमने एक बार और पफ स्टिच बुननी है, 1, 2, 3, 4 और इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह से। देखिए पहले एक पफ स्टिच बनाया 4 बार का, बीच में 2 चैन, फिर यहाँ 4 चैन, फिर पफ स्टिच, फिर 2 चैन और फिर ये पफ स्टिच। इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स अब हम एक चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, और ये देखिए जो 2 चैन का गैप है इसमें इस तरह से। फिर देखिए एक चैन बुन के अब हमने फिर से इसमें पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर से हमने 2 चैन का गैप डालना है, फिर हमने इसमें पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 फिर से हमने पफ स्टिच डालना है इस तरह। फिर देखिए 1, 2, 3, 4 4 चैन बुनेंगे और इसमें देखिए इस तरह सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे बीच में। फिर 1, 2, 3, 4 एक बार लेंगे और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, 1, 2, 3, 4 फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1, 2, 2 चैन, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, 1, 2, 3, 4 सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। रो कंप्लीट होने के बाद आपने एक चैन बुननी है और इसे पलट लेना है, और ये देखिए इस तरह से आपने इस तरह से इसके अंदर से निकालना है, और फिर आपने ये देखिए एक चैन बुन के यहाँ पे फिर से आपने पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 इन सबको एक साथ बुनना है। फिर 1, 2 फिर से पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 और इन सबको एक साथ बुनना है। फिर देखिए 1, 2, 2 के बाद देखिए फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ आपने
इस तरह सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर ये देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और यहाँ देखिए सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो, एक बार लेंगे और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर एक दो, फिर से पफ स्टिच डालेंगे, चार, सबको एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारी थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है, रो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आपने हर रो में देखी जो पफ स्टिच है इसी तरह किनारों में बनाना है और इसी तरह हर बार किनारों में इसी तरह बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ये पफ स्टिच दो बना लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपने दो चैन बुननी है, दो चैन बुनने के बाद एक बल लेना है और ये जो बीच में जो जाली है इसमें आपने डबल क्रोशे से 10 टाइम बुनना है फ्रेंड्स। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः सात आठ नौ दस। देखिए मैंने डबल क्रोशे से बीच वाली जाली में 10 बार बुनना है, 10 टाइम हो गया है। अब आपने क्या करना है देखिए, फिर आपने एक और दो, दो चैन बुननी है, एक बल लेना है और फिर यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, फिर इन सबको एक साथ बुनना है। फिर बीच में दो चैन का गैप, फिर से आपने एक दो तीन चार इस तरह से देखिए, फिर एक चैन बुननी है, इसे पलटना है, फिर आपने यहाँ देखिए, फिर आपने यहाँ इस तरह से जाली में एक बार इस तरह करना है, सिंगल क्रोशे से निकालना है, फिर एक चैन बुननी है, फिर इसमें पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार और इन सबको एक साथ बुनना है। फिर दो चैन का गैप रखिए, फिर एक बार और पफ स्टिच बनाइए, एक दो तीन चार और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर एक दो, दो चैन। अब के बार फ्रेंड्स हमने तीन बार इसी के अंदर पफ स्टिच डालना है, अभी तो हम दो बार डाल रहे थे, अब हमने तीन बार डालना है, दो तीन चार इस तरह से। तो देखिए हमारे तीन पफ स्टिच आ गए हैं इस वाली जाली में। फिर हमने क्या करना है देखिए, एक दो, दो चैन और फिर हमने हर चैन में डबल क्रोशिया से बुनना, यानी 10 टाइम ही बुनना है फ्रेंड्स, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। फिर देखिए एक और दो, दो चार छ सात आठ नौ दस। फिर देखिए यहाँ हमने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार और इन सबको एक साथ बुनना है, दो चैन का गैप, फिर से दोबारा इसमें बुनेंगे,
एक दो तीन चार, फिर इन्हें बुन देंगे, फिर दो चैन का गैप, फिर से हमने एक बार और पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, ये तो इसी तरह चलेगा, बीच में डिज़ाइन बन रहा है हमारा। और देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो भी देखिए कंप्लीट हो गई। अब हम सिक्स रो बुनेंगे, एक चैन बुन के पलट लेंगे, और देखिए यहाँ इस तरह से फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, फिर दो चैन बुनेंगे, फिर से दोबारा से इसमें पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार, और इन सबको बुन लेंगे, एक साथ बुनना है, फिर एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स इस वाले में, अभी हमने देखिए इसमें बुना, अब हम इसमें भी दो बार पफ स्टिच बुनेंगे, एक दो तीन चार, और देखिए इस तरह से पफ स्टिच डालेंगे, ये बीच में चार चैन का गैप आ गया, फिर देखिए एक और दो, दो के बाद देखिए इसमें इस तरह से एक दो तीन चार, इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे देखिए यहाँ दो पफ स्टिच इस वाले में आ गए और दो पफ स्टिच इसमें आ गए, और इसके बाद आपने दो चैन बुननी हैं, एक दो, और एक बल लेके ये 10 बार बुना था ना फ्रेंड्स, तो आपने एक स्किप करके यहाँ से अब आपने 8 टाइम बुनना है, तो एक इधर से स्किप करेंगे और एक इधर से स्किप करेंगे, इस तरह से तीन। यहाँ मैंने देखिए ये पहले 10 टाइम था, फिर ये 8 टाइम हो गए, देखिए एक स्किप चैन मैंने यहाँ कर दी और एक चैन स्किप यहाँ करनी है, और ये डबल क्रोशिया से मैंने 8 टाइम बुन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इसके बाद जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ बनाया है बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ बनाना है, एक दो, और देखिए पहले इसमें हमने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, फिर हमने एक साथ बुनना है, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, फिर से हमने पफ स्टिच लेना है, एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, और फिर देखिए एक दो तीन चार, फिर एक बन लेंगे, और देखिए इसमें हमने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और इस तरह से फिर आपने एक और दो फिर इसी में बुनना है, एक दो तीन चार, इस तरह देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ बुनना था बिल्कुल इस तरह यहाँ बुन लिया है, और इस तरह से हमारी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एक चैन बुनने के बाद इसे पलट लेंगे, और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पलटने के बाद आपने यहाँ भी पफ स्टिच डालना है, पहले एक चैन बुनिए, और इस तरह से एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर देखिए एक और दो, फिर इसमें आपने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन देंगे, इस तरह से देखिए। फिर से फ्रेंड्स क्या करना है, अब देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे, फिर देखिए एक दो
तीन चार और फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार और एक साथ बुन देंगे, फिर एक और दो चैन, फिर यहाँ बुनेंगे, एक दो तीन चार और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो दो चैन बनेंगे, एक बन लेंगे। और अब फ्रेंड्स देखिए ये एट थे ना, अब हमने इसे सिक्स बनाना, यानी यहाँ घटाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे। तो देखिए एक स्किप करिए और यहाँ सिक्स टाइम बुन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखिए अब ये सिक्स टाइम हो गया, छः हो गए। फिर आपने एक दो, दो के बाद यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ बुना था इसी तरह मैं यहाँ बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। मैंने इधर बुना था, बिल्कुल मैंने देखिए इधर बुना है, दो पफ स्टिच इधर आ गए, दो इधर आ गए, बीच में ये आ गई, चैन से हमने सिंगल क्रोशन से बांध दिया। तो इस तरह से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात रो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए आठवीं रो जो बुनेंगे, एक चैन बुन देंगे, एट रो बुनेंगे, एट रो पलट देंगे एक चैन बुनने के बाद। और अब देखिए यहाँ पे पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार और एक साथ बुन देंगे, दो चैन डालेंगे, फिर पफ स्टिच बुनेंगे, एक दो तीन चार और एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो, दो चैन और यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर एक दो तीन चार, चार चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। फिर देखिए एक दो, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार और इन सबको एक साथ बुन देंगे, और दो पफ, दो चैन, फिर एक बार और इसी में पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार और एक साथ बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए दो पफ स्टिच, दो चैन, एक बार हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ बुना, फिर बीच में चार चैन का गैप है, फिर एक सिंगल क्रोशिया से बुना, फिर दो चैन इस तरह से देखिए यहाँ बुना जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपने देखिए एक दो, दो चैन एक बार लेना है, और ये देखिए एक दो स्किप करके यहाँ आपने बुनना है, यहाँ देखिए इसे छोड़ दीजिए और यहाँ से बुनिए इस तरह से, एक देखिए फ्रेंड्स एक दो स्किप करके यहाँ से बुनिए, एक दो और तीन, आपने तीन बार बुनना है आपने। फिर तीन बार बुनने के बाद ये देखिए एक दो, दो चैन और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ बुना था बिल्कुल इस तरह मैं यहाँ बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ बुना था देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ बुन लिया है, देखिए दो दो पफ स्टिच ये रहे, दो पफ स्टिच, और देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, तो यहाँ पे इस तरह बना लिया था। अब इसके बाद देखिए मैंने पलट के, अब हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देखिए नवी रो जो बुनेंगे इस तरह दो पफ स्टिच ये तो चल रहे हैं, इसी तरह बुनेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे और इसमें टेन टाइम बुनेंगे फ्रेंड्स डबल क्रोशिया से, एक दो तीन चार
पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए 10 टाइम बुन लिए हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 के बाद यहाँ आपने पफ स्टिच बुनना है, 1 और 2, यहाँ 2 पफ स्टिच बुन लीजिए, 4 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर 1 2 चैन का गैप, फिर एक बार और बुनिए, 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर 1 और 2 2 चैन। 2 चैन के बाद देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए 1 चैन स्किप करके यहाँ अब एक बार बुनना है आपने डबल क्रोशिया से, 1 फिर 1 और 2। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 10 टाइम ये 2 बार पफ स्टिच बुना था ये वाला, अब हम यहाँ 2 बार पफ स्टिच बुनेंगे और ये जो बीच की जाली है यहाँ हम डबल क्रोशिया से 10 टाइम बुनेंगे और यहाँ पफ स्टिच बुनेंगे। तो ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। जैसे मैंने इधर बुना था, देखिए ये 10 टाइम, यहाँ भी मैंने 10 टाइम बुना है और ये 2 पफ स्टिच डाले थे, यहाँ भी 2 पफ स्टिच डाले हैं और इस तरह से मैंने देखिए 9 रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 10 रो जो बुनेंगे आपने, 10 रो बुननी है तो 1 चैन बुनिए और देखिए यहाँ आपने फिर से सिंगल क्रोशिया से पहले यहाँ लेकर आना है इस तरह, फिर आपने 1 सिंगल क्रोशिया से बुनना है और इसमें पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 इस तरह से, फिर देखिए 2 चैन, फिर आपने इसमें पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 फिर देखिए 1 और 2। फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसमें 3 बार पफ स्टिच बुनना है, अभी 2 बुन रहे थे, अब हम इसमें 3 बार बुनेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, देखिए 1 2 3। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ हमने 3 बुने थे, इसी तरह अब ऊपर भी हमने यहाँ 3 बुन लिए हैं। इसके बाद देखिए 1 2 2 चैन, फिर एक बार लेना है और यहाँ आपने फिर से 10 टाइम डबल क्रोशिया से बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इस तरह ये 10 टाइम हो गया है, फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने 1 2 2 चैन बुननी है और यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 चार का पफ स्टिच डालेंगे, फिर 2 चैन बुनेंगे और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, 1 2 3 4 एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपने पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे, 2 चैन, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए बीच में इस तरह से आएगा।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये 10 टाइम बुना है तो देखिए ये बीच में इस तरह से बुनने के बाद यहाँ भी 10 टाइम बुनकर नेक्स्ट रो में बताती हूँ कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स जैसे मैंने देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, फिर देखिए जैसे मैंने ये 10 टाइम बुना है यहाँ भी मैंने 10 टाइम बुन लिया है, और देखिए यहाँ 3 पफ स्टिच डाले थे तो यहाँ भी 3 पफ स्टिच डाल दिए हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 11 रो जो बुनेंगे वो देखिए किस तरह बुनेंगे। एक चैन बुन लीजिए और देखिए यहाँ से इस तरह से, फिर आपने देखिए पफ स्टिच डालने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 इस तरह 1 2 चेन का गैप, फिर से आपने पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 इस तरह से, ये देखिए फिर आपने 1 2 3 4 और फिर आपने यहाँ आपने 2 बार पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुनना है, फिर 1 2 और यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए यहाँ इस तरह से 2 बार यहाँ, बीच में 4 चैन का गैप, फिर 2 बार यहाँ, फिर इसके बाद ये देखिए 1 और 2 2 चैन। और अब फ्रेंड्स देखिए हमने एक यहाँ से स्किप करके यहाँ आपने 6 टाइम बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया से। देखिए ये 10 था, फिर दोबारा 10 और अब ये 8 बार बुन लिया हमने इस तरह से, ये 8 हो गए। फिर आपने ये देखिए 1 2 2 चैन, फिर यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, 1 इस तरह से, फिर 1 और 2, फिर इसके अंदर आपने पफ स्टिच, 1 2 3 4 और एक साथ बुन दीजिए इस तरह से, फिर देखिए 1 और 2 3 4, फिर यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 और एक साथ बुन दीजिए, फिर 1 और 2, फिर इसमें पफ स्टिच, 1 2 3 4 इस तरह से, फिर देखिए 1 2 और यहाँ एक स्किप करके 8 टाइम बुन दीजिए, 8। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने ये 8 टाइम बुना है इस तरह से, यहाँ 8 टाइम बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स जैसे मैंने देखिए ये 8 टाइम बुना था, यहाँ भी मैंने 8 टाइम बुन लिया है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और ये देखिए यहाँ पे पफ स्टिच, देखिए यहाँ 4 बार है तो यहाँ भी 4 बार हो गया, 2 2 4 इस तरह से। देखिए मेरी ये रो कम्प्लीट हो गई है, आप देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, देखिए 5 के बाद हम 3 पफ स्टिच डालते हैं, फिर 1 2 3 4 5 के बाद हमने फिर 3 पफ स्टिच डाली है। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई थी। अब हमने एक चैन बुननी है और हमने फिर से यहाँ पफ स्टिच डालना है, यहाँ से 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, 2 चैन का गैप डालिए, दोबारा से पफ स्टिच बनाइए, एक 2 3 4 और एक साथ बुन दीजिए, फिर 1 और 2 2 चैन, इसके बाद देखिए 2 चैन के बाद 3 और 4 चैन, इसके बीच में जो चैन है इसमें सिंगल क्रोशिया से बुनी है इस तरह, फिर 1 2 3 4,
फिर देखिए यहाँ पफ स्टिच डालिए, एक दो तीन चार, और इस तरह से फिर एक और दो, दो चैन, फिर यहाँ पफ स्टिच डालिए दोबारा से सेम, एक दो तीन चार, इस तरह से ये देखिए। फिर आपने एक दो, दो चैन बनिए, और देखिए फ्रेंड्स ये एट है ना, आपने इसको सिक्स बनाना है। एक यहाँ से स्किप कर दीजिए, यहाँ बनिए, तो यहाँ सिक्स टाइम बनेंगे, एक डबल क्रोशे से, दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद देखिए फिर आपने दो चैन बननी है, एक और दो, और यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, एक साथ बन दीजिए, फिर एक दो, फिर देखिए एक दो तीन चार, एक साथ बन दीजिए इस तरह से, देखिए फिर फ्रेंड्स देखना आपने क्या कि नहीं, देखिए एक दो तीन चार, और अब देखिए ये जो बीच में था यहाँ आपने फिर से सिंगल क्रोशे से इस तरह बनना है, फिर एक दो तीन चार, इसके बाद आपने यहाँ पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और एक साथ इन सबको बुन दीजिए, फिर एक दो, दोबारा से इसी में बुनेंगे, एक दो तीन चार, एक साथ बुन दीजिए, फिर देखिए एक और दो। देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ हमने सिक्स टाइम बुना है, यहाँ भी सिक्स टाइम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट करके, जैसे यहाँ है बिल्कुल इसी तरह में इस साइड बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने देखिए ये सिक्स टाइम बुना था, इसी तरह मैंने यहाँ सिक्स टाइम बुन लिया है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और अब देखिए हमने जैसे यहाँ एक दो, तो देखिए एक दो तीन चार, तीन चार, इस तरह से ये रो कम्प्लीट हो गई है। आप देखिए हमने एक चैन बुन के पलटना है, और यहाँ पे फिर से हमने यहाँ देखिए इस तरह से एक दो तीन चार, और चारों को एक साथ बुनेंगे, दो चैन, फिर देखिए एक दो तीन चार, और फिर चारों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, फिर देखिए एक दो, दो के बाद फ्रेंड्स देखिए अब आपने यहाँ इस जाली में सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनना है, फिर देखिए एक दो, फिर यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, इस तरह, फिर दो चैन का गैप, फिर एक बार और पफ स्टिच इसी जाली में बुनिए, एक साथ बुन दीजिए, फिर देखिए एक दो, फिर ये देखिए फ्रेंड्स एक स्किप करिए, यहाँ से डबल क्रोशे से बुनिए, एक दो तीन, तीन के बाद एक और दो, यहाँ पफ स्टिच डालिए, एक चारों को एक साथ, फिर दो चैन, फिर यहाँ पफ स्टिच डालिए, एक दो तीन चार, इस तरह, फिर एक दो, दो के बाद देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से, फिर आपने एक दो तीन चार,
फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से, फिर देखिए एक और दो, फिर यहाँ देखिए एक दो तीन चार, और इन सबको इस तरह से, फिर देखिए एक दो, दो के बाद देखिए फिर इसी में एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर देखिए एक और दो, फिर एक दूसरे में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ 3 टाइम बुना है, इसी तरह मैंने यहाँ 3 टाइम बुन लिया। तो इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने देखिए यहाँ बुना था, इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने आपको बता दिया था, ये भी ये भी ये भी ये भी, बस ये रह गया था, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए नेक्स्ट रो में भी हमने देखिए पफ स्टिच डाल लिए हैं दो, और आप देखिए फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, फिर से हमने दो चैन बुननी है, एक और दो, और इसके बाद देखिए यहाँ आपने 10 टाइम बुनना है डबल क्रोशिया से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। फिर एक और दो, दो चैन एक बार लेंगे, यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और आपने सबको एक साथ बुनना है, फिर एक और दो चैन, फिर से आपने इसमें पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार इस तरह, फिर देखिए आपने एक दो, दो चैन, और देखिए आपने 3 का एक करना है, यानी बीच में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। फिर आपने देखिए एक दो, दो चैन, यहाँ पफ स्टिच डाल दीजिए, एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर एक और दो, दो चैन का गैप रखिए, फिर से पफ स्टिच डालिए, एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर देखिए आपने एक दो, दो के बाद यहाँ पे 10 टाइम बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। 10 के बाद एक दो, दो के बाद यहाँ पफ स्टिच डालिए, एक दो तीन चार। जैसे मैंने यहाँ 10 टाइम बुना था, तो देखिए यहाँ भी 10 टाइम बुन लिया है, ये मैंने आपको बता दिया था। और देखिए यहाँ मैंने पफ स्टिच पे पफ स्टिच डाल दिया, देखिए ये सिंगल था तो यहाँ भी सिंगल आ गया, फिर ये पफ स्टिच पे पफ स्टिच, फिर ये 10 टाइम। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे तो हमारी एक ही फिश थी, फिर हमने दो बना ली, और अब देखिए ये हमारी तीसरी बन रही है, एक दो तीन। अब ये जिस तरह ये बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, तो इसी तरह हमारी फिश भी बढ़ती जाएंगी। इस तरह से मैंने आपको रिपीट भी बता दिया है, और इसे किस तरह बढ़ाना है ये भी बता दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you.